हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धि रॉय एंड यू आर वाचिंग स्काई इज द लिमिट। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है सभी स्टूडेंट्स के लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला जा रहा है कि सभी स्कूल में अपना जो ट्यूशन फी है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। किस बेसिस पे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, मैं डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। एंड डेफिनेटली कॉलेज स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देखना, क्योंकि आपका जो डिमांड है वो भी मैं लास्ट में डेफिनेटली बताऊंगा। तो डेफिनेटली वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को शेयर करना ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, स्कूल स्टूडेंट्स है, उनका डिमांड सभी के पास पहुंचे ताकि इसके ऊपर कुछ ठोस आप बोल सकते हैं रिएक्शन दिया जाए। तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से क्लियरली बोला गया है सभी स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन को, जो स्कूल इंस्टीट्यूशन है एक्चुअली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेज को नहीं अभी तक बोला गया है। क्या बोला जा रहा है, जो प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस में या फिर स्कूल्स में ये होता है, आपको पता है ट्यूशन फी का, क्योंकि रेट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मैक्सिमम प्राइवेट जो स्कूल है उनको ही मेनली बोला गया है, सभी स्कूल को बोला गया पर मेनली प्राइवेट स्कूल को बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स आपके स्कूल में पढ़ते हैं उनका ट्यूशन फी डेफिनेटली रिड्यूस करना चाहिए। अब मैक्सिमम अथॉरिटी बोलेंगे कि क्यों रिड्यूस करना चाहिए, हम लोगों को सैलरी भी देना पड़ता है टीचर्स को, मैक्सिमम और भी स्कूल का काम रहता है जो करवाना पड़ता है, जो कि स्टूडेंट्स की सैलरी से ही, स्टूडेंट्स जो देते हैं वहां से ये सैलरी दिया जाता है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट जो आता है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए पैसा का बात है, वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला है कि आप लोग वो पैसा ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पिछले टाइम में भी जो पहला कोविड वेव था वहाँ पे भी पेरेंट्स बोल रहे थे कि स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स को डेफिनेटली करना चाहिए, जो ट्यूशन फी है वो डेफिनेटली घटाना चाहिए, पर तभी भी सुप्रीम कोर्ट से बोला गया था कि टीचर्स का सैलरी देने के लिए जितना लगेगा उतना तो डेफिनेटली देना पड़ेगा, एंड कॉलेज स्कूल चलाने के लिए जितना लगता है उतना तो पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस कॉलेज में या फिर उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से पहले ही आपने ये डिसीजन लिया था कि आप पे करेंगे। पर मेन पॉइंट कहां पे है, कौन सा पैसा डेफिनेटली घटाना चाहिए, वो भी यहां पे बोला गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहे हैं, स्कूल्स में जो एक्टिविटी स्टूडेंट्स जाके करते हैं, सपोज खेलना, सपोज लाइब्रेरी, सपोज किसी कॉलेज स्कूल में आपका जिम, सपोज कोई और चीज़, सपोज आपका टिफिन टाइम के लिए या फिर कुछ और काम के लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ता है, तो ये सब जो है, ये तो स्टूडेंट्स अभी घर पे हैं, तो ये खर्चा जो है एक्स्ट्रा लिया जा रहा है सभी स्कूल से, इसको घटाने के लिए बोला जा रहा है, जो कि डेफिनेटली पर मंथ का अगर हिसाब किया जाए या फिर पर ईयर का हिसाब किया जाए वो भी एक बड़ा अमाउंट बनता है। तो ये अमाउंट भी अगर रिड्यूस किया जाए तो डेफिनेटली सभी स्कूल के लिए अच्छा है, नॉट ओनली स्कूल, अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से स्कूल के लिए बोला गया, मैं डेफिनेटली डिमांड करना चाहूंगा। एंड मुझे पता है स्टूडेंट्स भी डिमांड करते हैं, स्टूडेंट्स अगर आप डिमांड करते हैं डेफिनेटली कमेंट करना, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है कॉलेज स्टूडेंट्स भी पिछला जो मैंने वीडियो बनाया बहुत बार बोला है कि फी रिड्यूस करना चाहिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी अथॉरिटी से, जो एक्स्ट्रा है, टीचर को पैसे देने के लिए जो चाहिए लीजिए, कॉलेज चलाने के लिए जो चाहिए लीजिए, जो एक्स्ट्रा है सपोज लाइब्रेरी का जो हम लोगों को फायदा नहीं मिल रहा, सपोज जिम का जो हम लोगों को फायदा नहीं मिल रहा, सपोज एसी कैंटीन का जो हम लोगों को फायदा नहीं मिल रहा, तो ये डेफिनेटली रिड्यूस करना चाहिए। ऑनलाइन स्टडी के लिए जो खर्चा हो रहा है स्टूडेंट्स को, घर पे है स्टूडेंट्स, उनको इंटरनेट भरवाना पड़ रहा है, वाईफाई लेना पड़ रहा है, इसमें तो एक्स्ट्रा खर्चा है, तो ओवरऑल बहुत ही ज्यादा खर्चा हो रहा है स्टूडेंट्स को इस पैंडेमिक सिचुएशन में। इसको डेफिनेटली सोचते हुए मुझे लगता है कॉलेज को भी रिड्यूस करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। तो यही था आज का अपडेट, वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। सो चलिए ऐसे एक और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।